ऐसे ही ये क्या हुआ और भाई लोग तो यार क्या हालचाल। सो गाइस आज हमारे पास में है पांच अलग अलग लिक्विड्स, शैम्पू वगैरह सब, मतलब शैम्पू भी है, फेविकोल भी है, सारे लिक्विड्स अलग अलग। और हमारे पास में है सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल के बारे में आप सभी लोगों को आपने से कई लोग जानते होंगे कि ये पानी के साथ में रिएक्ट करके ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या अगर हम लोग इन पांचों लिक्विड में सोडियम मेटल डालें, क्या हमें कोई अलग रिएक्शन देखने को मिलती है, फिर क्या होता है? क्योंकि पानी तो देखा तो प्रैक्टिकली सब में थोड़ा बहुत होता है। वीडियो में काफी मजा आने वाला, तो वीडियो को बिना स्किप करें देखते रहना। सो गाइस मेरा नाम दीपक और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी साइंस, सो लेट्स बिगिन। गाइस इस वीडियो में दिखाए गए सारे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधानी से किया गया है, सेफ्टी का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया, और ये सब सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ही है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी घर पर या कहीं पर भी ट्राई मत कीजिएगा। सो गाइस इस काम के लिए वैसे देखो दो लोग है ना, कभी मम्मी आई मेरे को पीट देंगी कि टूथपेस्ट लेके आ गया शैम्पू। देखो भैया ये है शैम्पू, ब्रांड ब्रूम नहीं दिखा रहा तो क्या, ताकि वो दिक्कत हो जाती है। शैम्पू तो यहाँ पर हमारे पास है शैम्पू, परफ्यूम, एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर यानी कि रबिंग एल्कोहल ही कह सकते हैं इसको, प्योर एल्कोहल भी कह सकते हैं, 80% एल्कोहल यानी एथेनॉल, एंड ये है सोडियम मेटल, और ये है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का ब्रांड मैं आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि आपको पता है क्या मतलब चक्कर वक्कर पड़ जाते हैं, कॉपीराइट ये, और ये है फेविकोल, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस इस इन सब के इनमें से का, और मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगा के रख लिया है, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लगा के रखी है, और अभी हम इस टेस्ट ट्यूब में केमिकल्स को डालेंगे और फिर उसके अंदर डालेंगे सोडियम मेटल। सो गाइस सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन हुए जो परफ्यूम, तो हम लोग सब डिसाइड कर देते हैं, और परफ्यूम तो सबसे पहले हम लोग सोडियम को, सो गाइस सोडियम मेटल ये होता है, ये होता है सोडियम मेटल। हम लोग इनके इसके छोटे छोटे पीस लेंगे और रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कट कर लेते हैं। सो गाइस ये मेटल होने के बावजूद भी इतना सॉफ्ट है, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद परफ्यूम। अमेजिंग रिएक्शन नहीं करता, मतलब ब्लास्ट वगैरह नहीं होता, बट ऐसा क्यों होता है मुझे भी सही होता, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी है नहीं, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सके तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वैसे तो मैं जहाँ तक मुझे पता है इसमें एस्टर्स होते हैं, एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहा है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है ये भाई, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में सच बताऊँ तो। तो ये था एथेनॉल, ये है एथेनॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बोतल, मैं फटा फटा देख लूँगा। सो गाइस एथेनॉल के साथ तो हमारे को कोई ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले नहीं, ना ही एथेनॉल के साथ ना ही परफ्यूम के साथ, तो अभी चलो एक अलग किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन कराते हैं। सो गाइस सोडियम मेटल एकदम से आग पकड़ सकता है, तो हम इस चीज़ को एक आयरन या सॉरी एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर में करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा सोडियम टूथपेस्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। टूथपेस्ट डाल दी, मम्मी ना देख लिया मेरे को बहुत चप्पल पड़ेंगी, हम डालते हैं इसमें सोडियम।
सो गाइस टूथपेस्ट के साथ तो कोई भी रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन। ओके तो चलो अब देखते हैं इसी वाले पीस को ही हम लोग हैवी कॉल के साथ रिएक्ट करा करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा क्लीन आउट कर लेते हैं। ओह यार यहाँ पर थोड़ी बहुत तो रिएक्शन हो रही है देखा जाए तो। मैं अभी वैसे आप ही नेकेड आई से नहीं देख पाओगे मैं सही बताऊँ तो, तब ये मतलब आप ऐसे नहीं। ओह ये गर्म है, गर्म था ये टूथपेस्ट भी गर्म होगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत रिएक्शन तो हुई थी टूथपेस्ट। और यार इसके साथ भी ये डेफिनेटली रिएक्ट कर रहा है, एंड इसके अंदर के पानी के साथ ये डेफिनेटली रिएक्ट कर रहा है या फिर इसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट दैट। एंड इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी तो हो गई जहाँ तक लगता है, तो उसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। एंड गाइस इस रिएक्शन को मैं फील कर सकता हूँ, मतलब क्या मतलब ये बबलिंग हो रही है इसका, आप ध्यान से देखो। एंड जो फेविकोल है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गई है, हार्ड हो गई एकदम, और उसमें से काफ़ी स्मोक भी निकल रही है। इसमें हम लोग थोड़ी सी और फेविकोल डालते हैं। ओ भाई साहब ये तो मेल्ट हो गया। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो ये बिल्कुल ही मेल्ट होकर के रिएक्ट कर रहा है फेविकोल के साथ, और ये कोई अलग सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, वो कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, सोडियम जो है एकदम मेल्ट हो चुका है। ये रहा सोडियम मेटल। एंड जैसे जैसे ओ भाई गाइज ये तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सीरियसली कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एकदम से इसमें से चिंगारी निकली और मैं वो भी बच गया और कैमरा भी बच गया, थैंक गॉड हम बच गए। बट यहाँ पर सोडियम जो है बचा हुआ, अभी यहाँ पर सोडियम भी बच गया वैसे देखा जाए तो, ये अभी भी पिघला हुआ है सोडियम मेटल। एंड अभी हम लोग इसको बाहर फेंक देते क्योंकि मैं नहीं इसके साथ और छेड़खानी करने वाला, क्योंकि इतना एकदम से आप लोगों ने देखा ना कैसे इसने रिएक्ट करा, तो एक बार दोबारा डाल के देख ही लेते हैं क्या होता है। सो गाइस यहाँ पर रिएक्ट तो हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है। सो गाइस सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम और फेविकोल के रिएक्शन के बाद हमारे को कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है। ये फेविक क्विक अलग से, ओ भाई यहाँ पर देखो चिंगारियाँ निकल रही हैं इस बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको बाहर फेंक आता हूँ और इसको रिएक्ट करा जाता हूँ। तो मैं तब तो चलो अब तब तक हम ओ भाई ओ भाई ओ शिट यार इसने तो टेबल क्लॉथ को ही फाड़ दिया। चलो शुक्र है पुराना टेबल क्लॉथ था, नया होता तो मेरे को बहुत गालियाँ पड़ती। चलो मैं ओ भाई यहाँ पर आप लोग देखो। सो गाइस लास्ट रिएक्शन शूट करने के लिए मैं बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मैं अंदर थोड़ा सा डर गया था ये देख करके कि आग लग रही है सोडियम से, तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, तो इसी वजह से मैं ये लास्ट रिएक्शन बाहर शूट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप मेरे हाथ में भी पसीना देख सकते हो कि कितनी गर्मी है, और मैं 2 बजे के आसपास इस रिएक्शन को शूट कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ मेरी थोड़ी सी इस मेहनत के लिए तो लाइक बनती है, तो हो सके तो लाइक कर देना। बहुत तेज़ गर्मी है, मैं यहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहा भगवान कसम, बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है। एंड मेरा फ़ोन भी पसीने से गीला हो गया। यहाँ पर आप लोग देखो सोडियम जो है डेफिनेटली रिएक्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर सोडियम मेल्ट हो गया है, यहाँ पर ये आग पकड़ रहा है। ओ भाई गाइस ये थी लास्ट रिएक्शन विद शैम्पू। सो गाइस ये थी रिएक्शन विद शैम्पू, और अब ये अभी भी सोडियम बचा हुआ है बहुत सारा, इसके ऊपर मैं शैम्पू डाल देता हूँ। मेरे को अभी आप पसीना गिरते देख सकते हो कितनी तेज गर्मी में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। ओ भाई शिट मेरा फोन भी बहुत गर्म हो गया, तो अब इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ भाई। एंड गाइस यही थी आज की सिंपल सी वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी लाइक ठोक दो यार, क्योंकि धूप में जाके वीडियो शूट करना आसान नहीं होता, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के लिए अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम बाय।